So, dosto, just now we have solved so many questions based on three basic properties, which was a plus b whole square, which is equals to a square plus 2ab plus b square. Then we have solved question based on a minus b whole square, which is a square minus 2ab plus b square. And third very important property, if we have situation like a plus b, a minus b, then we can write a square minus b square. Now it's turn to solve question based on fourth property, which was x plus a, x plus b. If we have situation like this, then we can write x square a plus b of x plus a b. This is also very important property, and now I am going to solve question based on this. ये property कैसी situation में लगेगी? यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो यहाँ if we have x, then in another bracket we have also x, means ये number same होगा. Let's say यहाँ 100 है तो यहाँ भी 100 होगा, और यहाँ पर a square है, a to the power 4 है तो यहाँ भी a to the power 4 होगा. कुछ भी होगा, जो भी यहाँ होगा वो सेम होगा. चेंजेस कहाँ पे आ रहे हैं? यहाँ पर आ रहे हैं. इसके लिए हम एक एग्जांपल लें तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा. लाइक वी हैव 100 प्लस 3 एंड 100 प्लस 5. लेट्स से ये हमारे पास सिचुएशन है. तो एक्स ये है प्लस ए की प्लेस पे 3 है एंड यहाँ बी की प्लेस पे 5 है. अगर हम कंपेयर करके वैल्यूज लिखें तो वी हैव एक्स इक्वल टू 100, ए इक्वल टू 3 एंड बी इक्वल टू 5. मीन्स ए एंड बी आर चेंजिंग. अभी तो प्लस के हैं, माइनस के भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं. बट फर्स्ट टर्म मीन्स एक्स वाली जो टर्म है, दिस इज फिक्स. जो लेफ्ट वाले ब्रैकेट में है वही राइट वाले ब्रैकेट में भी होगी. ये आपको क्लियर हुआ कि सिचुएशन कैसी होगी, तब हमें ये अप्लाई करना है. ये फॉर्मूला आया कहाँ से? तो हम इसे खुद ही जनरेट कर लेते हैं. इफ़ वी हैव दिस, हमें इनका मल्टीप्लिकेशन करना है तो हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं. एक्स का मल्टीप्लाई इस पूरी टर्म से होगा, देन ए का मल्टीप्लाई इस पूरी टर्म से होगा. ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन करते हैं. हमने मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड इवन पॉलिनोमियल सबके मल्टीप्लिकेशन पढ़े कि कैसे मल्टीप्लिकेशन होता है. देन हम क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इससे भी होगा, इसका मल्टीप्लाई इससे भी होगा बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव. सिमिलरली ए का मल्टीप्लाई एक्स से भी होगा एंड ए का मल्टीप्लाई बी से भी होगा. ठीक है, अब इसके बाद हम लाइक टर्म्स देखेंगे. लाइक टर्म में हमें ये और ये दिख रहा है, एकदम लाइक नहीं है. ये एक्स भी है और वो ए एक्स है. दे आर नॉट लाइक, बट वो कुछ मिल रहे हैं, उनमें हमें कॉमन दिख रहा है. इन दोनों टर्म में अगर हम एक्स को बाहर ले लें तो अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, बी प्लस ए प्लस ए बी. ठीक है, अब इसको अगर हम प्रॉपरली अरेंज करके लिखें, एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस ए को हम ए प्लस बी लिख दें, एक्स को हम यहाँ लिख दें. हमने कुछ भी नहीं किया है, प्रॉपरली अरेंज किया है. सिंपल मल्टीप्लीकेशन के थ्रू ये प्रॉपर्टी डिराइव हो गई एंड फाइनल रिजल्ट इज एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी. मतलब अगर आपकी मल्टीप्लाई की प्रैक्टिस हो और आप फॉर्मूला लेट से भूल गए, तब आप खुद भी डिराइव करके फॉर्मूला या आइडेंटिटी बना सकते हैं. ठीक है, सिचुएशन क्या होना चाहिए आइडियली, कि x जो है दोनों ब्रैकेट्स के अंदर सेम होगा एंड a एंड b आर चेंजिंग. फर्स्ट एग्जांपल बहुत सिंपल सा हम लेते हैं. इफ़ वी हैव x प्लस 2, x प्लस 3. हमें सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि ये क्वेश्चन पे कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, ये वाली तुरंत क्लिक होना चाहिए. अब हम कंपेयर करेंगे. इन प्लेस ऑफ x तो हमें x ही दिख रहा है, बट a की प्लेस पे हमें 2 मिल रहा है एंड b की प्लेस पे हमें 3 मिल रहा है. ये कैसे मिल रहा है? अगर हम इसे कंपेयर करें x प्लस a x प्लस b, तो ये होता है इक्विवेलेंट टू a प्लस बी एक्स प्लस ए बी. ये आइडियल हो गया. अब हमारे पास क्या है, x प्लस 2 x प्लस 3. तो हमने कंपेयर किया, x की प्लेस पे x ही है, a की प्लेस पे 2 है,
बी की प्लेस पे 3 है एंड अभी बाय चांस इसमें सब कुछ पॉजिटिव है, तो हमारा रिजल्ट क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए की प्लेस पे व्हाट वी हैव 2 प्लस 3 ऑफ एक्स प्लस 2 इंटू 3, सिंपल वैल्यू सब्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। ठीक है, अब क्या मिलेगा हमें, एक्स स्क्वायर प्लस 5 ऑफ एक्स प्लस 6, तो ये हमें फाइनली आंसर मिला। बहुत ही सिंपल मल्टीप्लीकेशन करके, प्रॉपर्टी अप्लाई करके हमने निकाल लिया। अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते तो हम एक्स का पहले इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करते, फिर हम इस 2 का पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करते और रिजल्ट निकालते, बट इंस्टेड ऑफ डूइंग डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन हमने ये प्रॉपर्टी को अप्लाई किया, जो कि बहुत ही सिंपल है। नाउ प्रॉपर्टी इज क्लियर आफ्टर वन एग्जाम्पल। अब हम कंटिन्यूएशन में 5-6 एग्जाम्पल लेंगे, बहुत ही छोटे छोटे एग्जाम्पल। सेकेंड इज एक्स प्लस 7 एंड एक्स माइनस 2। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है, एक्स प्लस ए इफ वी हैव दिस देन इट इज इक्वलेंट टू ए प्लस बी ऑफ एक्स प्लस ए बी। फॉर्मूला हम बार बार इसलिए लिखते हैं कि आपको याद हो जाए। ठीक है, अब हम कंपेयर करेंगे, इन प्लेस ऑफ एक्स तो हमें एक्स से दिख रहा है, ए की प्लेस पे वी हैव 7। अब यहां पर हमें देखना होगा बी की प्लेस पे क्या है, माइनस 2। वाई माइनस 2, बिकॉज यहां पर एक्स प्लस 2 नहीं है, एक्स माइनस 2 है। इसको हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, अब हम इसे अगर कंपेयर करें एक्स प्लस बी से, तो इन प्लेस ऑफ एक्स वी हैव एक्स एंड इन प्लेस ऑफ बी वी हैव माइनस 2। तो अभी ध्यान रखना है साइन का हमें, तो हमें ए और बी दोनों मिल गया। प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम इसमें अप्लाई कर देंगे, एक्स प्लस 7 एक्स माइनस 2 विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि एक्स एक्स ही है, एंड ए प्लस बी यहां पर ध्यान देने वाला है इट इज माइनस 2, ठीक है, ऑफ एक्स प्लस ए बी। फाइन, नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 7 प्लस माइनस माइनस तो इट विल इक्वल इनटू 7 माइनस 2 प्लस प्लस माइनस माइनस तो इट विल इक्वल टू माइनस 14। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 14, प्लस माइनस इज माइनस, 7 माइनस 2 इज 5। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, बट हमें ए और बी कंपेयर करना आना चाहिए। नाउ इन थर्ड एग्जांपल आई एम टेकिंग बोथ टर्म एज नेगेटिव। ठीक है, ये यहाँ पे हम इसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन इज y माइनस 4 एंड y माइनस 3, राइट। सबसे पहले हम इसे प्रॉपरली अरेंज कर देते हैं, ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म। why आई एम अरेंजिंग, उसका रीजन मैं अभी आपको दूंगी, y प्लस माइनस 3 हमने ऐसा लिख दिया, तो अब हम प्रॉपर्टी इजिली अप्लाई कर सकते हैं। प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है, x प्लस a एक्स प्लस बी इफ वी हैव दिस सिचुएशन देन वी कैन डायरेक्टली राइट एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए। फाइन, अब आप कंपेयर करें, इन प्लेस ऑफ एक्स हेयर इट इज वाई, वेरिएबल इज चेंज। अब हम एक्स जहां लिखते थे उसकी प्लेस पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, वाई। इन प्लेस ऑफ ए आप कंपेयर खुद ही कर सकते हैं, देखिए ये आपके सामने, अगर आप प्रॉपर सिमेट्री में लिखेंगे तो आप खुद देख सकते हैं, ए की प्लेस पे यू हैव माइनस 4 एंड बी की प्लेस पे माइनस 3। अब हमारे पास एक्स भी है, ए भी है, बी भी है, तो हम प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। हमारा क्वेश्चन जो था वाई माइनस 4 वाई माइनस 3 इट शुड बी इक्वल टू वाई स्क्वेयर इन प्लेस ऑफ एक्स आई हैव सब्स्टिट्यूटेड वाई प्लस ए प्लस बी, ए इज माइनस 4 प्लस बी इज माइनस 3, ये हो गया ए प्लस बी, एक्स की प्लेस पे क्या हो गया वाई प्लस ए इंटू बी माइनस 4 इंटू माइनस 3। सिंपल सब्स्टिट्यूशन है, बस साइन का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, अब देखिए वाई स्क्वायर एज इट इज प्लस, इसके ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इट विल गिव यू माइनस 7 वाई प्लस
माइनस फोर और माइनस थ्री आपको मिलेगा प्लस का 12। प्लस का 12 लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ब्रैकेट ओपन करें, वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस 12, ये आपका रिजल्ट आएगा। तो हमें यहाँ क्या था, दोनों टर्म नेगेटिव थी, तो आपको साइन का ध्यान रखना पड़ेगा। नाउ अनदर एग्जांपल इज, अब हम थोड़ा सा एक्स वाई को चेंज करते हैं। अब हम अगला एग्जांपल जो लेते हैं उसमें एक्स और वाई की जगह कुछ न्यू वेरिएबल कर देते हैं। लेट्स से आई हैव 2p माइनस 3 2p प्लस 5। प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसे एडजस्ट कर दें। 2p माइनस 3, ऐसा लिखने का क्या बेनिफिट होगा कि हमें ए बी की जब वैल्यू पता करनी होगी तो वो इजीली मिल जाएगी। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसके नीचे हमारा फॉर्मूला देखेंगे। इफ यू हैव सिचुएशन लाइक दिस देन व्हाट यू डू, यू अप्लाई डायरेक्ट फॉर्मूला और आइडेंटिटी। ऐसा ही करते हैं हम, यस। अब हम कंपेयर करें तो इन प्लेस ऑफ एक्स यू हैव 2p। ठीक है, अभी तक हमें एक्स और वाई था, बट नाउ वी हैव इन प्लेस ऑफ एक्स 2p, ए की प्लेस पे माइनस 3 एंड बी की प्लेस पे 5। ये दोनों टर्म सेम हैं जो हमारी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, एंड ए एंड बी जो है वो चेंज है। ठीक है, हमें x मिल गया, a मिल गया, b मिल गया, तो हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। हमारा जो क्वेश्चन था इट वॉज फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 2p माइनस 3 2p प्लस 5। ठीक है, अब आइडेंटिटी में जब अप्लाई करेंगे तो हमारी आइडेंटिटी होती है x स्क्वायर। तो इन प्लेस ऑफ x वी हैव 2p स्क्वायर प्लस ए बी, ए इज माइनस 3 प्लस बी इज 5, x की जगह पर 2p, अब x है ही नहीं हमारा, है ना। नाउ a b, फाइन, सिंपल वैल्यू सब्स्टिट्यूशन, 2p होल स्क्वायर विल गिव यू 4p स्क्वायर, होल स्क्वायर है। 5 माइनस 3 विल गिव यू 2 एंड ऑलरेडी यू हैव 2p, दिस डॉट इज फॉर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, 5 3 15 बट माइनस 15 बिकॉज माइनस साइन है। अब इसको आप और ओपन करें, 4p स्क्वायर प्लस 4p माइनस 15, तो ये आपका रिजल्ट होगा। डायरेक्ट आइडेंटिटी के थ्रू आपने इसे सॉल्व किया। ठीक है, सिंपल वैल्यू सब्स्टिट्यूशन है, बट कंपेयर करके एक्स ए और बी फाइंड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपके पास आंसर आ गया। Taking 3-4 easy example, now I am taking little bit harder. Y square plus 5/7, एक term है, and another is y square minus 14 upon 5. Fine. सबसे पहले हम identity के form में arrange करें, x plus a, x plus b, if you have this, then you can easily write x square plus a plus b of x plus a b. यहाँ पर एक टर्म प्लस का है, एक माइनस का है, तो आपको पहले उसे सेम बनाना होगा। y square plus minus 14/5, ये ब्रैकेट चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब आप कंपेयर करें, x की प्लेस पे आप क्लियरली देख सकते हैं वी हैव y स्क्वायर, इन प्लेस ऑफ a इट इज 5/7 एंड इन प्लेस ऑफ b इट इज माइनस 14/5। पैटर्न सेम टू सेम है, बट अब नंबर्स जो है वो फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो थोड़ा सा ये लेंथी जाएगा, बट क्वेश्चन इज वेरी इजी। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ यू विल अप्लाई द प्रॉपर्टी। Property says if you have this, then you can write, यहाँ क्या आना चाहिए, x square, in place of x you have y square, तो क्या हो जाएगा, y square to the power 2, a b, a is 5 by
7 plus B is minus 14 upon 5. A plus B. फिर क्या आता है? X. X is what? Y square. Plus. अब इसके बाद क्या आता है हमारा? A, B. So, 5 by 7 multiply by minus 14 upon 5. Simple value substitution, but carefully. Now, y square का square will give you y to the power 4. If you have power to the power, then power will be multiply. First property. Now, अंदर आप bracket open करेंगे, you will get 5 by 7 plus minus is minus 14 upon 5 y square plus. यहाँ पे multiplication है, numerator का multiply numerator से होगा. तो minus 5 into 14 will give you minus 70 and 7 5s are 35. Simple solution. Now, यहाँ पर आपको क्या करना होगा? LCM लेना होगा. The LCM of 7 and 5 is 35. 7 5s are 35. So you will have 5 into 5. 5 7s are 35. So you will get this. Y square plus minus minus 70 upon 35. Fine? Now, y square plus. इसको सॉल्व करें. 25 minus 7 4s are 28. 7 into 9 upon 35. Y square minus. यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा. 35 2s are 75. Simple solution. Y square. इसको जब आप सॉल्व करेंगे 25 minus 98 then it will give you minus 73 upon 35 y square minus 2. Finally, you will open all the bracket and this is your final answer. थोड़ा सा lengthy है but it is very nice question. तो अब आपको आपकी property अच्छे से clear हुई होगी कि x plus a x plus b मतलब ये वाली टर्म अगर सेम है एंड ये वाली टर्म अगर थोड़ी सी डिफरेंट है तो आप ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी की इनफ प्रैक्टिस हुई. अभी हमने सारे वेरिएबल वाले क्वेश्चन लिए, अब हम कुछ नंबर्स वाले क्वेश्चन लेते हैं. तो देखिए कितने झट से वो सॉल्व हो जाएंगे. सिंपल सा एग्जाम्पल, इफ यू हैव evaluate the following. 100 plus sorry 107 multiply by 103. देखें, either you can directly multiply these two quantities, आप इनको multiply कर लें, but हमने property पढ़ी तो हमारी कोशिश क्या होगी, इसको एक identity में हम arrange करें. ठीक है, तो what we'll do, क्या हम इसे 100 plus 7 लिख सकते हैं? Of course. And इसे हम 100 plus 3 लिख सकते हैं? Yes. ये दोनों टर्म सेम है. This is A and B. अब आप कंपेयर कर लें. आपका प्रॉपर्टी क्या होता है? X plus A, X plus B is equal to X square plus A plus B of X plus AB. Now in place of x you have 100, in place of a you have 7, in place of b it is 3. Fine, अब आप property apply कर सकते हैं. 100 plus 7, 100 plus 3 will be equal to x square means 100 का square plus a plus b means 7 plus 3 and x is 100. ठीक है, and a b 100 का square very easy 10,000 बन जाएगा plus 7 plus 3 10 10 into 100 is 1000 plus 21. So finally it is 11021 means हमने
instead of multiplication we have applied this identity and we get the result 11021. न्यूमरिक वाले हम एक दो और एग्जांपल लेंगे तो आपको इसकी प्रॉपर्टी की यूटिलिटी समझ में आएगी कि हमें ये क्यों लगाना इजी है. अनदर वन इज 56 × 48. फाइन, अब इसे हम क्या कर सकते हैं, 50 के फॉर्म में तोड़ सकते हैं. कैन वी राइट 50 + 6 एंड 48 को 50 - 2. 50 लेना जरूरी है क्योंकि यहाँ पे जो दोनों टर्म है वो सेम होना चाहिए. अदरवाइज तो आप इसे 40 + 8 लिख सकते हैं, इसे 50 + 6 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं. बट प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए ये हमें सेम बनाना है एंड ये हमारा ए और बी होगा. अब हम डायरेक्ट लिखेंगे इन प्लेस ऑफ एक्स इट इज 50, इन प्लेस ऑफ ए इट इज 60 एंड इन प्लेस ऑफ बी इट इज -2. आई हैव टेकन सो मेनी एग्जाम्पल तो अब मैं एज्यूम करके चल रही हूँ कि आपको वैल्यू समझ में आ गई होगी. यहाँ पर बी की प्लेस पे -2 है. व्हाट द प्रॉपर्टी सेज, इफ यू हैव सिचुएशन लाइक दिस देन यू कैन राइट, अगर ऐसा होता है तो हम उसे क्या लिखते हैं, x² + a + b x + ab. सिमिलरली x² यहाँ पर हमारे पास x क्या है 50 square प्लस a प्लस b 6 प्लस b इज -2. x इज व्हाट 50 प्लस a b वैल्यू सब्स्टिट्यूशन. नाउ 50² इज 2500 प्लस 6 - 2 इज 4. 4 × 5 = 20 सो इट विल गिव यू 200 प्लस 6 × 2 = 12 बट -12. सो फाइनली इट इज 2500 प्लस 200 -12. आफ्टर सॉल्विंग दिस इट इज 2700 -12 मीन्स 2688. सो मल्टीप्लाई करने की बजाय हमने यहाँ पर क्या लगाई, प्रॉपर्टी. सो स्टूडेंट आई हैव टेकन सो मेनी एग्जाम्पल बेस्ड ऑन द आइडेंटिटी x + a x + b. Now moving to the exercise 9.1, NCERT exercise 9.1.